अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। रिसेप्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो रिसेप्टर में हमने पहला रिसेप्टर आई पढ़ा। कल हमने आई की जो मिडिल लेयर और आउटर लेयर थी उसको डिस्कस किया कि आउटर लेयर में स्क्लेरा है और कॉर्निया है। फिर मिडिल लेयर में हमने कोराइड की बात की। कोराइड आगे से बेंड हो गए, आयरिस बना रहा था, और आयरिस के पीछे आयरिस दो आयरिस के दरमियान में एक होल है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। अब आयरिस के पीछे हमारे पास होता है लेंस। लेंस जो है, लेंस आगे से मसल्स के साथ अटैच होता है, सिलियरी मसल्स के साथ। लिगामेंट्स के जरिए अटैच होता है, कुछ बैंड्स के जरिए अटैच होता है जो आपको ये नजर आ रहे हैं। इन बैंड्स को हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इनकी बेसिकली ये जो सिलियरी मसल्स हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से लेंस का साइज चेंज होता है। कि जब हमने कोई फॉर अवे ऑब्जेक्ट है, दूर ऑब्जेक्ट है, उसको हमने देखना है, तो फिर क्या होगा, ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगे और ये जो लेंस है ये लेस कन्वेक्स हो जाएगा। मतलब लेंस हमारे पास कंकेव हो जाएगा। कंकेव हो जाएगा, जरा छोटा हो जाएगा, हम इजिली ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट है तो ये सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो लेंस है वो बहुत ज्यादा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेंस बड़ा हो जाएगा, उसमें हमारे पास लेस मोर कन्वेक्स हो जाएगा और फिर हम ऑब्जेक्ट को इतना क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारे पास इसमें होता है, सीलियरी मसल्स का काम है कि इन्होंने लेंस के साइज को कंट्रोल करना है, वियर में हेल्प आउट करनी है। थर्ड लेयर की जब हम बात करते हैं तो ये जो तीसरी लेयर है ये हमारे पास सेंसरी लेयर होती है, जहां पर जाकर लाइट ने बेसिकली फॉल करना है और वियर प्रोड्यूस होनी है। उस लेयर को हम कहते हैं रेटिना। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रेटिना सेंसरी लेयर है। इस रेटिना के ऊपर दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स हम उनको कहते हैं, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। दो तरह के सेल्स हैं, एक हमारे पास है रॉड्स और दूसरे हैं कोन्स। रॉड्स ऐसे सेल्स हैं जो डिम लाइट में, जब लाइट कम होती है, आज से आप रात से याद रख लें कि जो रात को एक्टिव होंगे। रॉड्स ऐसे सेल्स जो डिम लाइट में एक्टिव होते हैं। कोन्स ऐसे सेल्स जो कि ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं, और हैंस हम ये कह सकते हैं कि जो कोन्स हैं ये हमें कलर वियर में हेल्प आउट करते हैं। कलर वियर में रॉड्स और कोन्स, बहुत सारे रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इस रेटिना के ऊपर दो पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं फोविया। फोविया ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बहुत सारे कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फोविया ऐसा पॉइंट जहां पे बहुत सारे कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जो के कलर वियर में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। दूसरा पॉइंट जिसको हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट इस वजह से कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे कोई भी कोन्स या रॉड्स प्रेजेंट नहीं होते, सेंसरी सेल्स इस पॉइंट पे नहीं प्रेजेंट। ये ऐसा पॉइंट है जहां पर जो सेंसरी इंपल्स है, नर्व इंपल्स, सेंसरी नर्व्स है, उन्होंने रेटिना में एंटर होना है। रेटिना में जिस पॉइंट पर उन्होंने एंटर होना है उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट। उस पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट कह रहे हैं। ब्लाइंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर कोन्स प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद आई जो है वो दो चैम्बर्स में डिवाइड होती है। ये जो आयरिस है ये इस आंख को दो चैम्बर्स में, दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ये आयरिस और ये कॉर्निया। इससे पहले वाला, इन दोनों के दरमियान में ये जो हिस्सा है जहां पर पानी पानी सा प्रेजेंट होता है, एंटेरियर पोर्शन हम इसको कह सकते हैं, जो सामने वाला पोर्शन है मतलब लेंस के आगे, इस पोर्शन को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, इसमें पानी होता है। फिर हमारे पास आयरिस और लेंस, इसके पीछे
हमारे पास चैम्बर है जिसको हम कहते हैं, ये जो पूरा हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। इस विट्रस ह्यूमर के अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है। और इसका काम क्या होता है विट्रस ह्यूमर का, बेसिकली कि जेली लाइक फ्लूइड है इस वजह से ये विट्रस ह्यूमर, एक तो ये जो आंख है, आई है, इसकी शेप को मेंटेन रखता है, और दूसरा ये जो डेलिकेट लेंस है, ये जो सॉफ्ट सा लेंस है, इस लेंस को सस्पेंड करना है, लटकाना है अपनी जगह पर, तो वो विट्रस ह्यूमर निकलना है। ये दो इसके पोर्शंस हैं। अब जब हम अगर लाइट की बात करेंगे, ये लाइट कहां कहां से कैसे कैसे ट्रेवल करती है, जब लाइट एंटर होती है कॉर्निया में, कॉर्निया से फिर ये जाती है लेंस में, लाइट रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्शन आपने फिजिक्स में ये फेनोमिना बहुत पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन होता है मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट रेस, मतलब ये कि लाइट जिस मीडियम में पास कर रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड में, और जब वो सेकंड मीडियम में आए तो वो अपना एंगल चेंज कर ले, किसी और एंगल में चली जाए। तो जब लाइट कॉर्निया में आएगी ये अपना एंगल चेंज करेगी लेंस पे, और लेंस से जाके विट्रस ह्यूमर से गुजरती हुई जाएगी रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर कौन सेल्स प्रेजेंट है, अगर सुबह का टाइम है कौन सेल्स एक्टिव होंगे और कौन सेल्स क्या करेंगे, क्योंकि ये एक्टिव है, सेंसरी सेल्स हैं, ये सेंस करेंगे कि ये लाइट आई है, और फिर उसको नर्व इंपल्स के जरिए भेज देंगे, ऑप्टिक नर्व के जरिए भेज देंगे ब्रेन को, और ब्रेन फिर वो इमेज प्रोड्यूस करेगा और वो इमेज हमें नजर आएगा। ये बेसिकली पूरा पाथवे होता है लाइट के पास करने का। कॉन्स और रॉड्स की अगर हम डिटेल में बात करें तो जो रॉड्स होते हैं, रॉड्स जैसे मैंने आपको कहा डिम लाइट में एक्टिव होते हैं, क्यों? इनके ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन केमिकल जो है ये रात के टाइम डिम लाइट में ये केमिकल बनता मतलब होता है और फिर हमें नजर आता है, और अगर लाइट ब्राइट है तो ये केमिकल रोडोप्सिन टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो फिर हमें ब्राइट लाइट में, जैसे आपको पता है कि आप जब बहुत देर धूप में खड़े रहे हैं और आप एकदम से अंदर आते हैं तो आपको अंदर आके जरा अंधेरा अंधेरा कुछ देर के लिए दिखाई देगा, चीजें आपको फेंट दिखाई देंगी, क्लियरली दिखाई नहीं देंगी, क्यों? इस वजह से, क्योंकि डिम लाइट में तो रॉड्स नहीं एक्टिव हो रहा था, वो रोडोप्सिन प्रेजेंट थी। अब जब हम बाहर इतनी देर रहे हैं तो हमारे रॉड्स इनएक्टिव हो गए हैं, रोडोप्सिन टूट गई है ब्राइट लाइट में, फिर जब हम एकदम से अंदर आते हैं तो अब वो जो रोडोप्सिन टूटी हुई थी, अब उस रोडोप्सिन को बनने में टाइम लगेगा। जब वो रोडोप्सिन बनने में जरा टाइम लगेगा, जब बन जाएगी फिर हमें आहिस्ता 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 सारा व्यू क्लियर होता जाएगा, हमें चीजें क्लियर दिखाई देना शुरू कर देंगी। और वो रोडोप्सिन प्रोटीन बना कौन रहा है, विटामिन ए। इस वजह से जब विटामिन ए की कमी होती है तो उसकी वजह से हमें नजर नहीं आता डिम लाइट में, फिर हम कहते हैं इस बंदे को नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है, नाइट ब्लाइंडनेस का डिसऑर्डर हो गया है, वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। फिर कैरोटीन जो है वो अगर हम कैरेट्स खा रहे हैं, रेडिश खा रहे हैं, गाजरे हैं, उनमें कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है, फिर वो विटामिन ए की प्रोडक्शन हमारे अंदर करती है, फिर उसकी वजह से हम हमारी ब्लाइंडनेस इंप्रूव हो जाती है, आई साइट इंप्रूव हो जाती है। ये तो रॉड्स की बात की। कॉन्स की अगर हम बात करें, कॉन्स के ऊपर भी एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन ब्राइट लाइट में एक्टिव होगी, कॉन्स ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं। अब आयोडोप्सिन हमारे पास तीन तरह की होती है, कॉन्स हमें रेड, ग्रीन और ब्लू कलर जो है ना, ये तीन कलर्स ये हम देख सकते हैं कॉन्स के जरिए, मतलब अगर इनमें से किसी भी आयोडोप्सिन की कमी हो गई है तो उसकी वजह से फिर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, किसी को रेड कलर ब्लाइंडनेस हो गई है उसे रेड कलर नजर नहीं आएगा, किसी को ब्लू कलर ब्लाइंडनेस हो गई है, तो वो क्यों होता है, एक्चुअली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ दिस आयोडोप्सिन, कि वो आयोडोप्सिन की उनमें कमी हो गया है, उस आयोडोप्सिन की जो कि रेड कलर जो है हमें दिखा रहा था, उस आयोडोप्सिन की जो कि ब्लू कलर दिखा रहा था या ग्रीन दिखा रहा था, तो उनमें से किसी की भी कमी हो जाए तो उसकी वजह से फिर कलर ब्लाइंडनेस भी फेस करना पड़ती है। तो ये हमारे पास आई का स्ट्रक्चर था। कल हम आई के डिसऑर्डर्स इंशाल्लाह मंडे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि आई के शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस, कुछ लोगों की दूर की नजर कमजोर होती है
कुछ की करीब की नजर कमजोर हो गई, तो हाउ दैट सैडनेस इज कास्ट और हम उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, कैसे लेंस यूज करते हैं वो लोग, कन्वेक्स करते हैं यूज या कंकेव लेंस यूज करते हैं, वो भी पढ़ेंगे. तो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई, उसकी मिडिल लेयर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर के बारे में हमने पढ़ा है. कल हम इंशाल्लाह डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.